हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है, ये टोम्बो मोनो इरेजर के ऊपर है। टोम्बो मोनो ब्रांड की जो बहुत सारी इरेजर्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स की होती हैं। कुछ टोम्बो मोनो जीरो है और कुछ डिटेलिंग्स के लिए होती है, वो स्मॉल स्मॉल होती है। मतलब टोम्बो मोनो ब्रांड की जो इरेजर होती है वो प्लास्टिक इरेजर होती है। और भी ब्रांड्स होती है प्लास्टिक इरेजर, बट टोम्बो मोनो ब्रांड की जो इरेजर है वो यूजिंग में ज्यादा होती है। बड़े बड़े आर्टिस्ट उनको यूज करते हैं, कुछ अच्छा ही यूज होता है इनका, मतलब कुछ बेस्ट ही होते हैं ये टूल्स, तो इसीलिए इनको यूज किया जाता है। और जो मैं इरेजर लेके आई थी, मेरे पास सर्कल वाली पहले से थी, मैं लेके आई थी स्क्वायर में। स्क्वायर में किस टाइप से, मैं ये दिखाऊंगी इस वीडियो में आपको। प्लास्टिक इरेजर टोम्बो मोनो की नहीं, और भी ब्रांड्स की होती है। अप्सरा की भी है प्लास्टिक इरेजर, जो कि 25 रुपए की आएगी। वो बहुत थोड़ी अलग होती है, बट डिटेलिंग उससे भी हम बराबर कर सकते हैं। पर इतने जो स्मॉल एरियाज जो होते हैं वो ये इरेजर कवर कर सकती है, जीरो इरेजर टोम्बो मोनो की, वो शायद वो नहीं कर पाएगी। क्योंकि मैंने पहली बार तो यूज नहीं किया है, अगर करना चाहे उससे भी कर पाएंगे हम वो डिटेलिंग, बट यूजिंग में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। उसको शार्प करना पड़ेगा, ये पहले से इस टाइप में है कि इसे हम शार्प ना करें, इसे उसी जगह पे यूज करें जहाँ पे हमें बिल्कुल स्मॉल डिटेलिंग करनी है। बिल्कुल स्मॉल स्मॉल एरियाज होते हैं, वहां पे डिटेलिंग करनी होती है। और जो मैं अप्सरा की बता रही हूँ वो इस टाइप से होती है, वो थोड़ी बड़ी होती है और उसे हमें शार्प करना पड़ेगा पहले। शार्प करने के बाद उसे फिर यूज कर पाएंगे हम उस एरिया के लिए, उसके हिसाब से हमें उसे शार्प करना पड़ेगा। तो इस टाइप से डिफरेंस होता है, ऐसा नहीं है। बट कोई नहीं परचेज कर सकता तो आप वो भी यूज कर सकते हो, जरूर नहीं है टोम्बो मोनो यूज ही करनी है। हाँ, जब स्किल्स इंप्रूव होती जाए तो हाँ हम परचेज कर सकते हैं, तब आप परचेज करो। कोई वो नहीं है इसमें कि हाँ टोम्बो मोनो ही यूज करेंगे हम, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो मैं सर्कल वाली मेरे पास पहले से थी और मैं स्क्वायर वाली अब लेके आई। डिफरेंट डिफरेंट यूज करनी चाहिए, ये तो सबको पता है, तो मैं वही इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो चलो दिखा। तो गाइज, ये है टोम्बो मोनो की रेजर, ये स्क्वायर टाइप में यहाँ पे दिख रहा है। देखो, अभी मैं ओपन करके दिखाऊंगी, पहले इसकी पैकेजिंग देख लेते हैं किस टाइप से और क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पे इसके बारे में सब लिखा हुआ है और यहाँ पे भी इफेक्ट्स, जीरो इरेजर, और यहाँ पे इसका प्राइस है 410 की है, ये 410 रुपये की है। सब कुछ इस पर लिखा हुआ है, इस टाइप की पैकेजिंग है। बस मैं इसको ओपन करके दिखा देती हूँ और एक बार यूज करके दिखा दूंगी, फिर स्क्वायर, फिर जो दूसरी वाली इरेजर और स्क्वायर वाली में क्या डिफरेंस है ये भी बता देंगे। ओके, अलग वीडियो में। एक मैं इसको ओपन कर लेती हूँ पहले। ये है इस टाइप से। इसके अंदर एक ये पैक है, इसके अंदर 2 रिफिल है, एंड जो ये इरेजर है इसके अंदर 1 रिफिल है। मतलब 410 रुपीज में मुझे 3 रिफिल्स मिली है और 1 इरेजर मिली है। ओके, तो यहाँ पे इसका पॉइंट लिखा हुआ है, ये पॉइंट है इसका, और इस टाइप से है। मैं यूज करके और दिखा देती हूँ एक बार आपको। शेड कर लेते हैं पहले पेंसिल से, नॉर्मल पेंसिल से ही शेड कर लेते हैं, कोई नहीं। ये मैंने शेड कर लिया, ठीक है। और अब मैं इसको एक बार इरेज करके दिखा देती हूँ। हम इसको ऐसे स्ट्रेट करके नहीं, इस टाइप से चला लेंगे ऐसे, देखो। और ये देखो इस टाइप से, इसमें भी हम डिटेलिंग कर पाएंगे बिल्कुल स्मॉल एरियाज में। इस टाइप से हेयर्स के लिए बहुत अच्छी है, इस टाइप से, ये देखो। तो ऐसी रेजर है, इसकी रिफिल इस टाइप से है, स्क्वायर शेप है इसका, देखो। इस टाइप की रेजर है कुछ, और ये रिफिल थी। पैकेजिंग मैंने दिखा दी, ओपन करके दिखा दिया, यूज करके भी देख लिया। हेयर्स में बहुत अच्छे से डिटेलिंग कर सकते हैं इससे हम। और इस वीडियो में मैंने आपको टोम्बो मोनो इरेजर दिखाई और प्लास्टिक इरेजर के बारे में बताया, जैसे अप्सरा की और बाकी ब्रांड्स की भी होती है, ऐसा कुछ नहीं है।
सकुरा कंपनी की भी प्लास्टिक रेजर है और भी होंगी जो जो मैंने यूज किया उनके बारे में मुझे पता है, जो नहीं की उनके बारे में मैं नहीं बता सकती पहली बात तो, क्योंकि यूज नहीं किया तो मैं कैसे बता दूं। तो टोम्बो मोनो के मैंने यूज किए हैं, पहले भी यूज किया और अब फिर से मैं लेके आई हूँ, थोड़ी न्यू टाइप में लाई हूँ, तो इसको भी यूज करेंगे और इसके बारे में वीडियो और आएंगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं है जल्दी से जाइए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।